यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। गाइस, मैं भी बहुत अच्छी हूँ, ठीक ठाक से हूँ। और अभी हो रही है मॉर्निंग की यहाँ पे पूजा, तो सुबह के बज रहे हैं 7:30 और अब मैं भगवान को यहाँ पे आरती कर रही हूँ। पूजा तो मेरी हो चुकी है और पूजा में आधे घंटे अप्रॉक्स लग जाते हैं। और पूरी पूजा जब अच्छे से विधि विधान से करो तो आधे घंटे आराम से लग जाते हैं। तो पूजा पाठ हो चुका है और आज बच्चे बहुत ही ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि आज उनके बाबा का है बर्थडे, तो इस वजह से बच्चे आज बहुत ही खुश हैं। और होता नहीं है, बच्चों को ये एक्साइटमेंट रहता है सुबह मॉर्निंग में। अक्षत ने पापा को कॉल करी और उनसे बात करी, भगवान जी के भी दर्शन आपको करा दिए हैं। उसके बाद में आ गई थी यहाँ तुलसी मैया को जल चढ़ाने, और उसके बाद आज बादल तो घेर के रखे हुए हैं, ऐसा लग रहा है कि बारिश होगी। लेकिन हाँ, बहुत ज़्यादा मौसम में उमस हो रखी है, जिसके कारण गर्मी भी बहुत हो रही है। तो चलिए, पूजा पाठ हो गया है, चलते हैं अब किचन में और कुछ खाने पीने का नाश्ता वगैरह कुछ रेडी कर लेते हैं। फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सुबह के बज रहे हैं 8:30 और पूजा पाठ हमारा हो गया है। और आप सब क्या कर रहे हैं ज़रूर बताइएगा, क्योंकि सबकी लाइफ वही सुबह मॉर्निंग का रूटीन होता है। सभी की लाइफ थोड़ा बेस्ट ही होती है, हम भी वैसे ही हैं। हाउसवाइफ की लाइफ जो होती है ना, वो स्टार्ट होती है सुबह मॉर्निंग के काम से। और बस अक्षत स्कूल जा चुके हैं और उसके बाद मैं अभी मेरी छुट्टियाँ चल रही हैं, तो अभी मैं जो है घर पर ही हूँ। और आज मैं थोड़ा सा क्लीनिंग का काम था, लेकिन हाँ, अब आजकल जब थोड़ा सा बारिश वाला जो मौसम होता है ना, इसमें डस्ट धूल कम आती, तो डस्टिंग वाला काम थोड़ा मेरा कम हो गया है। और अभी वेदर की बात करूँ तो बारिश रात में थोड़ी थोड़ी सी हुई है बस, एक लेकिन वो ना एक झिमझिम करके बरस जाना और उसके बाद चले जाना, बस वही वाला हाल था। तो उससे क्या होता है ना, तो गर्मी ठीक से जाती है और ना ही पूरी तरह से ठंडी लगती है। लेकिन हाँ, फिर भी वेदर में थोड़ा सा मतलब राहत है, जो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी उससे काफ़ी ज़्यादा राहत है। तो चलिए, अभी चलती हूँ किचन में और आज थोड़ा सा टाइम है तो कुछ नाश्ता वगैरह बना लेते हैं। जैसे कि सुबह पास्ता बनाया था, लेकिन अब जा रही हूँ, बेसन रखा हुआ है तो सोच रही हूँ अक्षत के लिए बेसन के लड्डू बना दूँ, उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। मीठे में वो और कुछ नहीं खाता है, बेसन के ही लड्डू खाना ज़्यादा पसंद करता है, तो बेसन के लड्डू उसके लिए बना दूँगी तो ठीक रहेगा। तो चलिए फिर चलते हैं किचन में। यहाँ पर देखिए आद्या क्या कर रही है, आद्या अलग अपना खाना बना रही है। क्या बना रही हो, सबको बता दो क्या बना रही हो, खाने में क्या बना रही हो। देख सकते हैं आज ओजस वाला गेम इन्होंने पकड़ लिया है, तो ओजस ऐसे ही गेम खेलता है। वो अपने कड़ाही कलछुल वगैरह ले करके बैठ जाता है किचन में और फिर जो उसका मन होता है वो बनाता रहता है बैठ करके। तो चलिए, मैं भी अपने काम खत्म कर लेती हूँ। मैं यहाँ पे बनाने जा रही हूँ बेसन के लड्डू, क्योंकि बेसन के लड्डू ना मेरे दोनों ही बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मीठे में मिठाई जो भी उनको बहुत पसंद आती है वो बेसन के लड्डू ही होते हैं। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई में डाला हुआ देसी घी और अब मैं डालूँगी इसमें बेसन। बेसन को अच्छे से भूनेंगे, धीमी आँच में, बहुत तेज़ आँच में बेसन को भूनेंगे तो बेसन जल जाएगा, तो इसलिए मुझे धीरे धीरे ही इसको भूनना है। और धीरे धीरे भूनते भूनते बेसन ना हल्का सा अच्छा सा कलर आ जाएगा और उसके बाद
ठंडा होने के लिए मैंने रख दिया था, और उसके बाद मैंने यहाँ पे चीनी का भूरा मिलाया है। और अब हाथों से इस तरीके से अच्छे से मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद फिर इसके हम लड्डू के शेप में इनको बना लेंगे। तो देख सकते हैं कुछ इस तरीके से मैंने बेसन के लड्डू बना लिए हैं, ये देखिए। और अब मैं इनको डिब्बे में भर करके रख दूँगी, तो ये 15 दिन आराम से चल जाएंगे और बच्चों का नाश्ता भी हो जाएगा। और यहाँ पे फिर मैं, दोपहर का टाइम हो रहा था, अभी मैं यहाँ लंच बना रही हूँ, तो लंच में आज मैं बिरयानी बना रही हूँ क्योंकि बच्चों को बिरयानी खाने का बहुत मन था, तो मैंने ये न्यूट्रिला डाल करके बनाया हुआ है। और आद्या को लगी है भूख, इसीलिए ये बार बार किचन में आ रही है। और आप लोग बिरयानी कैसे बनाते हैं? मैं तो कभी कुकर में भी बना लेती हूँ, कभी भगोने में भी बना लेती हूँ। वैसे भगोने वाली ना बहुत ज़्यादा खिली खिली बनती है, और कुकर वाली है कि थोड़ा सा कभी कभी चिपकने लगती, कभी उसमें पानी का जो गैस है वो बहुत ही करेक्ट करना पड़ता है, यानी पानी अगर मतलब थोड़ा भी ज़्यादा हुआ तो तुरंत वो चिपक जाते हैं चावल, फिर वो वाला टेस्ट नहीं आता है। तो जिसको पानी का एकदम सही अंदाज़ा हो वही कुकर में ट्राई करे, तो मेरी भी कभी कभी ऐसे हो जाती है, लेकिन हाँ पानी का मुझे गैस हो गया है बनाते बनाते। और उसके बाद अब देख सकते हैं यहाँ पे मैं इन लोगों के लिए लंच निकाल देती हूँ, पानी डाल रही हूँ, और उसके बाद रायता बना लूँगी। तो रायता इसके साथ बहुत अच्छा लगता है, बिरयानी और रायते का एक अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है, तो बिरयानी का टेस्ट ना रायते से ही होता है। अगर बढ़िया सा रायता बना हो तभी खाने में मज़ा आती है, या तहरी खिचड़ी कुछ भी खाओ चावल का आइटम, तो उसके साथ रायता बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पर मैंने लिया हुआ है 2 खीरा, और उनको मैं ग्रेट कर लूँगी, और ग्रेट करने के बाद मैं इसमें दही मिक्स करूँगी, थोड़ा सा जीरा पाउडर मिक्स करूँगी, थोड़ा लाल मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा काला नमक, और बढ़िया सा रायता एकदम सिंपल सा तैयार हो जाएगा। और कोई कोई लोग हींग और जीरे से छौंक भी लगाते हैं, पर वो ना मुझे खाली मट्ठे में अच्छा लगता है, यानी छाछ जिसको बोलते हैं, तो उसमें मुझे जीरे और हींग का छौंक बहुत अच्छा लगता है रेड चिली के साथ, क्योंकि मेरे ननिहाल में इसी तरीके से मट्ठे को छौंका जाता है, हमारे यहाँ मट्ठा ही बोलते हैं, इसीलिए मैं बार बार मट्ठा बोल रही हूँ। और देख सकते हैं फिर उसके बाद यहाँ पे अब हमारा जो लंच है वो रेडी हो चुका है, बिरयानी और रायता। तो चलिए बच्चों को भी खिला देते हैं, और आप सब भी आ जाइए, बढ़िया सी बिरयानी एकदम खिली खिली बनी हुई है, और खीरे का रायता है साथ में, तो बच्चे आराम से आज खा लेंगे। काफ़ी दिन से इनका ना डिमांड हो रहा था कि मम्मा बिरयानी बना दो बना दो, तो मैंने कहा चलो आज बिरयानी ही बना देते हैं बच्चों के लिए। खाना खाने जा रहे हैं, तो ये देख सकते हैं आज बना हुआ है बिरयानी, और थोड़ी सी गीली हो गई है क्योंकि मुझे ना गीला गीला पसंद है, और मैं दाल या चावल या कुछ भी वैसा बनाती हूँ ना, तो मुझे थोड़ा सा चावल भी गीले ही पसंद आते हैं, और उसी चक्कर में ना मैंने बिरयानी के हिसाब से पानी नहीं डाला, चावल के हिसाब से डाल दिया, तो थोड़ा सा गीला हो गया है, तो खैर कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, टेस्ट अच्छा होना चाहिए। और बस बच्चों को खाना खिलाने जा रही हूँ, तो अब खुद भी खाना खा लेती हूँ, फिर अब दोपहर का टाइम है तो रेस्ट ही करेंगे, और उसके बाद फिर दोपहर के बाद जब सो के उठेंगे तो आगे का ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। क्या हुआ, अच्छी है? शाम को अक्षत को स्टडी टाइम में होमवर्क मिला है? अभी अभी जस्ट ये स्कूल से आया है तो बस खाना ही खा रहा है। देख शाम का टाइम हो रहा है, हम लोग आए हुए हैं मार्केट प्रिया दीदी के साथ, तो यहाँ पे बच्चे, प्रिया दीदी, मैं, हम दोनों के बच्चे, यानी पूरे टोटल 4 बच्चे, 2 बच्चे उनके और 2 बच्चे मेरे। तो अभी हम सब लोग शॉपिंग करने आए हुए हैं, और पहले हम लोग रिलायंस मार्ट गए, वहाँ पे हमने थोड़ी बहुत शॉपिंग की, फिर उसके बाद अब हम लोग जा रहे हैं अपना हार्ट, यहाँ पर आई इंडिया मॉल है, तो वहाँ पर हम लोग शॉपिंग करने आ रहे हैं, और प्रिया दीदी को कुछ कपड़े वगैरह लेने हैं क्योंकि उनके यहाँ शादी का फंक्शन है, और हमारे यहाँ भी मतलब फेस्टिवल आ रहे हैं, और बहुत ही खास टाइम आ रहा है, जुलाई का जो महीना होता है ना वो मेरे लिए बहुत ही स्पेशल होता है, क्योंकि इस मंथ में पापा का भी बर्थडे होता है, इस मंथ में हस्बैंड जी का भी होता है, और इसी मंथ में अक्षत का भी बर्थडे होता है, तो तीनों लोगों का बर्थडे इसी मंथ में होता है, तो जिसके चलते ना ये मंथ बहुत स्पेशल है मेरे लिए। तो अभी देख सकते हैं दोनों बच्चों को मैं ले करके जा रही हूँ बाहर,
और आज ऐसे ही बालों को बांध करके ना पोनी पीछे बना लिया था, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी और पूरे एक डेढ़ घंटे दो घंटे घूमने के बाद अभी हम लोग आ गए हैं यहाँ पे तेलीबाग मार्केट। और यहाँ पे हम लोगों ने कार खड़ी कर दी एक साइड, क्योंकि जो हमको चाहिए था वो हम वहाँ पर नहीं ले पाए थे, तो हमने सोचा कि तेलीबाग मार्केट चलेंगे तो वहाँ पर ज़्यादा शॉप्स हैं, ज़्यादा मॉल है, तो अच्छे से हम लोग शॉपिंग वगैरह कर पाएंगे और मनचाही चीज़ मिल जाएगी। और कहते नहीं, जब तक आपका मनचाहा काम ना हो तब तक पैसे भी वेस्ट हो जाएं और मन का काम भी ना हो, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो अभी तेलीबाग मार्केट में चल रही है हमारी शॉपिंग और देख सकते हैं यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे वीडियो का एंड करती हूँ। पसंद आया हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, न्यू है चैनल पे तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।